अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुहेल सईद और आप देख रहे हैं आओ सीखें चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक पर्टिकुलर डेट से डेट, डे, मंथ और ईयर को सेपरेट करना सिखाऊंगा। मुकम्मल डिटेल में आपको इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो फॉर्मेट हमारे पास मौजूद है इसी के ऊपर ये प्रॉपरली हम काम करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं जो डिटेल है उसको रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर डेट है इसमें से पहले हम सेपरेट करेंगे डेट को। तो डेट के सेल के ऊपर क्लिक करेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे TEXT टेक्स और टैब प्रेस करेंगे तो ब्रैकेट आ जाएगी। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि शिफ्ट और ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ब्रैकेट आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। ओपन ब्रैकेट की इसके बाद आप जो पर्टिकुलर डेट है उसे आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप लगाएंगे कोमा, फिर शिफ्ट इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे और यहाँ पे टाइप कर देंगे डी और फिर शिफ्ट इन्वर्टेड कोमा लगाकर इसे क्लोज करेंगे और फिर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। एंटर प्रेस करेंगे तो जो डेट है वो सेपरेट हो चुकी है। यहाँ पर आपको एक छोटा सा डॉट दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे तो ये नीचे तक सारा ड्रैग हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमने सेपरेट करना है डेट को, वो क्या तरीका कार होगा। आप प्रेस करेंगे इक्वल TEXT टेक्स, टैब ओपन करें, टैब के ऊपर क्लिक करेंगे तो ब्रैकेट आ जाएगी, पर्टिकुलर डेट के ऊपर क्लिक करेंगे, कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट। अब यहाँ पर हमने चार मर्तबा डी लगाना है, 1, 1, 2, 3, 4, ठीक है। 4 टाइम हमने डी लगा दिया, इन्वर्टेड कोमा करेंगे क्लोज और फिर ब्रैकेट भी कर देंगे क्लोज। एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने जो डे है वो आ जाएगा, ठीक है। सिंपल इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो तमाम के तमाम जो डेज़ हैं इस पर्टिकुलर डेट के वो आपके सामने शो हो जाएंगे। इसके बाद हमने निकालना है मंथ को, तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे इक्वल TEXT टैक्स, टैब के ऊपर प्रेस करेंगे या ब्रैकेट ओपन करेंगे आप, तो आप पर्टिकुलर डेट को सिलेक्ट करेंगे, कोमा और यहाँ पर हम 4 टाइम लिखेंगे M, 1, 2, 3, 4 और इन्वर्टेड कोमा को करेंगे क्लोज और फिर ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और एंटर प्रेस करेंगे। ये एक्सेप्ट नहीं, इसको कर दिया इसने एक्सेप्ट, ठीक है। दोबारा मैं करके दिखाता हूँ, इक्वल TEXT टेक्स, ब्रैकेट ओपन, पर्टिकुलर डेट, कोमा और 4 इन्वर्टेड कोमा, यहाँ पे पहले स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे 4 टाइम एम लगाएंगे, 1, 2, 3, 4, इन्वर्टेड कोमा करेंगे क्लोज, ब्रैकेट करेंगे क्लोज, एंटर। तो ये अब आपको प्रॉपरली बता रहे हैं। अब यहाँ पे इसको नीचे की तरफ आप मूव करवा दें तो सारे नवंबर का मंथ आपको बता रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर चेंज करता हूँ, लेट से मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ पर 8 कर देता हूँ। अब ये देखिएगा यहाँ पर मुझे 8 का मंथ बता रहा है, ठीक है। और इस 2 तारीख को ट्यूसडे था तो वो ट्यूसडे बता रहा है। अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ 3 तो ये देखिएगा, ये मैंने कर यहाँ पर करना है 3, तो अब ये देखिएगा यहाँ पर मुझे वेडनेसडे बता रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो फार्मूला है वो प्रॉपरली काम कर रहा है। इसके बाद हमने निकालना है ईयर, तो वो कैसे निकलेगा। आप इक्वल प्रेस करेंगे TEXT टैक्स, ब्रैकेट ओपन और यहाँ पे पर्टिकुलर डेट को करेंगे सिलेक्ट, कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, 4 मरतबा आपने एफ लगाना है, 1, 2, 3, 4, इन्वर्टेड कोमा को करेंगे क्लोज और ब्रैकेट को करेंगे क्लोज। सिंपल आपने एंटर प्रेस करना है तो जो डे जो ईयर है वो भी आपको सेपरेट यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर चेंज करके देखता हूँ तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 20, तो ये देखेगा यहाँ पर आपको 2020 बता रहे हैं। तो इस तरीके से बआसानी आप एक पर्टिकुलर डेट में से डेट, डे, मंथ और ईयर सेपरेट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।